हाउ टू शेयर फाइल्स मोबाइल टू लैपटॉप यूजिंग गूगल ड्राइव। तो गाइज, अगर आप गूगल ड्राइव का यूज करके अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में कोई भी वीडियो फाइल्स एंड फोटोज या डेटास को ट्रांसफर करना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं पता गूगल ड्राइव का यूज करके कैसे ट्रांसफर या शेयरिंग करते हैं मोबाइल टू लैपटॉप में, तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। देखो, वैसे शेयरिंग करने के लिए अगर आपको मोबाइल से लैपटॉप में या लैपटॉप से मोबाइल में कोई भी अगर आपको फोटो वीडियो ऑडियो फाइल्स म्यूजिक मूवीज कुछ भी अगर को ट्रांसफर करना है, तो ऐसे तीन तरीके हैं। पहला तो है कि आप ब्लूटूथ का यूज करके कर सकते हो, कि आप मोबाइल से लैपटॉप में ब्लूटूथ का यूज करके ट्रांसफर कर सकते हो। सेकंड है कि आप इस टाइप के डेटा केबल का यूज कर सकते हो, यानी कि इस टाइप के एक यूएसबी केबल जो आपके मोबाइल का चार्जर होता है उसका जो यूएसबी केबल होता है उसका यूज करके आप मोबाइल के लैपटॉप में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। और सेकंड एक और तरीका है जो कि पैन ड्राइव का यूज करके भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। और इसके अलावा एक और चौथा तरीका है, वो है गूगल ड्राइव। कि अगर आप गूगल ड्राइव का यूज करके ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो भी एकदम सिंपल है, वो तो और भी ज्यादा इजी है, खाली उसमें आपको इंटरनेट डेटा की जरूरत पड़ेगी अगर आप डाउनलोड करना चाहोगे तो। देखो, सबसे पहला जो स्टेप है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ गूगल ड्राइव का यूज करके अगर आप ट्रांसफर या शेयरिंग करना चाहते हो मोबाइल से लैपटॉप में, तो इसका सबसे पहला जो स्टेप है, आपका जो मोबाइल का गूगल अकाउंट है, जो भी आप गूगल अकाउंट अपने मोबाइल में यूज करियो वो गूगल अकाउंट आपको अपने लैपटॉप में लॉगिन करना है। सिंपल से एक ही बात है कि आपको लैपटॉप में लॉगिन करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है, यहाँ पे टैप करके, और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ साइन इन का ऑप्शन दिख जाएगा क्रोम ब्राउजर में, यहाँ पे जाके बस आपको साइन इन करना है। यहाँ पे देखो, मैंने ऑलरेडी अपना गूगल अकाउंट यहाँ पे लॉग इन किया है मेरे लैपटॉप में, और ये वही गूगल अकाउंट है जो मेरे मोबाइल में यहाँ पे लॉग है। तो यहाँ पे देख लो, मैकडॉनल्ड का जो पुतला होता है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसका डीपी मैंने यहाँ पे रखा है। तो यू कैन सी इसमें भी वही फोटो है और इसमें भी वही फोटो है, यानी कि जो अकाउंट है एक ही ईमेल आईडी, मेरा जो इस वाले मोबाइल में जो ईमेल आईडी लॉगिन था गूगल अकाउंट, वही मैंने यहाँ पे अपने पीसी में लॉगिन कर लिया। अब देखो, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप जाओगे ना अपने लॉगिन कर लोगे अपना गूगल अकाउंट अपने लैपटॉप में जो आपके मोबाइल में था सेम गूगल अकाउंट, उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है गूगल पे और जाके आपको ड्राइव सर्च करना है। जैसे आप ड्राइव सर्च करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपके गूगल अकाउंट यानी कि जो भी गूगल ड्राइव में जो भी आपका फोटो वीडियो जो भी वीडियो मूवीज कुछ भी था वो सारा का सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो, मैंने रिसेंटली ही एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। तो आपको क्या करना है, अगर आप गूगल ड्राइव का यूज करके अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करना चाहते हो, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल ड्राइव में जाना है और आपके मोबाइल में जो भी है जो भी आपका फोटो वीडियो जो आप अपने लैपटॉप में लेना चाहते हो वो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल ड्राइव में आपको अपलोड करना है। सिंपल आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां से आपको अपलोड कर देना है। एग्जाम्पल के केसेस में देखो, ये एक वीडियो है फेसबुक का जो कि नियरली कुछ 70 MB का वीडियो है, फेसबुक का पासवर्ड, तो इसे मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले अपने गूगल ड्राइव में। तो ये वीडियो अभी यहां पर अपलोड हो रहा है, तो यहां पे वेट करते हैं जब तक ये अपलोड हो जाता है, 2 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ पर अभी अपलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। जैसे इसका अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा, ये जो वीडियो है ये मेरे सामने यहाँ पर दिख जाएगा, बिकॉज मैंने सेम गूगल ड्राइव यहाँ पर लॉगिन किया है, तो मुझे डायरेक्टली मुझे यहाँ से पर डाउनलोड करना होगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तो पहले यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ पे वेट करते हैं। अब यहाँ पे देख लेना, टाइटल देख लेना, फेसबुक का पासवर्ड फॉरगॉट कैसे करें, ये टाइटल मैंने यहाँ पे रखा है, तो वही टाइटल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला जो वीडियो है ये ऑटोमेटिकली मेरे इस वाले गूगल ड्राइव में दिख जाएगा जो कि सेम गूगल अकाउंट सेम गूगल ड्राइव है ये। तो यहाँ पर जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। अब जैसे आप देखो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, अब उसके बाद इसी वीडियो को यहाँ पर सर्च करेंगे, तो जो वीडियो आपने रिसेंटली अपलोड किया था अपने ड्राइव में वो आपको यहाँ पर आपको अपने सेम ड्राइव में जाना है और यहाँ पर आपको होम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप होम के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा जो भी मैंने रिसेंटली अभी वीडियो मेरे मोबाइल में अपलोड किया था, यानी कि मेरे मोबाइल के गूगल ड्राइव में अपलोड किया था, वही सेम वीडियो यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बार इस वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। देखो, ये वीडियो ओपन हो चुका है जो कि सेम वीडियो है, फेसबुक का पासवर्ड फॉरगेट कैसे करें। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर मुझे इस वीडियो को डाउनलोड करना है अपने यानी कि इसमें से अपने लैपटॉप में लेना चाहते हो, तो लेने के लिए बस आपको यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ ही डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप टैप कर लेना और ये जो वीडियो है ये डायरेक्टली यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्टली मैं डाउनलोड क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर लेकिन गाइस आपको नेट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे देखो वीडियो डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ पे देखो वीडियो डाउनलोड हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो वीडियो है वो डाउनलोड हो रहा है। तो ऐसे में बस आपको इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपको बस इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, बाकी तो और बिकॉज अगर आपको डाउनलोड करना है अपने लैपटॉप में लेना है तो आपको यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए अपने इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद ये जो वीडियो है डायरेक्टली आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। तो वीडियो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से गाइस आप सिंपल से मेथड का यूज कर
कोई भी इन फोटो वीडियो को आप मोबाइल से लैपटॉप में शेयर कर सकते हो इस गूगल ड्राइव मेथड फीचर का यूज करके, जो कि काफी यूजफुल है, जरूर ट्राई करना और काफी यूजफुल भी, लेकिन बस आपको इसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे स्टेप को अप्लाई करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।